गाइस वाट्सअप आई एम आशीष अरोड़ा आज का जो हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी का टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ डिफेंस पे अब मेथड्स ऑफ डिफेंस होते क्या हैं मेथड्स ऑफ डिफेंस मतलब कि किसी भी अपने जो सिक्योरिटी सिस्टम हम बना रहे हैं उसमें हमने क्या करना है सेफ्टी मेजर्स लेने हैं ठीक है तो वो सेफ्टी मेजर्स जो लेने हैं वो किस तरह से लेने हैं क्या वेज होते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे ठीक है कहता है वी मस्ट लुक केयरफुली एट कंट्रोल्स फॉर प्रजर्विंग कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ठीक है ये तीनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं इनमें से कोई भी एक अगर मिस हो जाती है तो हम सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कहते हैं हार्म अकर् स्वैनिट थ्रेट इज़ रियलाइज्ड अगेंस्ट ए वल्नरबिलिटी हार्म कब होता है जब भी कोई थ्रेट रियलाइज हो जाती है हमें किसके अगेंस्ट में वलनर के अगेंस्ट में ठीक है द पॉसिबिलिटी फॉर हार्म टू अक्कर इज कॉल्ड रिस्क अब ये जो हार्म के अक्कर होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है इसको क्या बोल देते हैं रिस्क ठीक है अब अब किसी भी जो हार्म जो होने वाला है हमें उसके साथ जो हम डील करते हैं वो पांच तरह से डील करते हैं कहते हैं कैसे डील करते हैं फर्स्ट वे है प्रिवेंटेड कहते हैं इसको रोक दो किस तरह से रोकना है बाय ब्लॉकिंग द अटैक और क्लोजिंग द वल्नरेबिलिटी या तो जो हम अटैक हो रहा है उसको ब्लॉक कर सकते हैं या फिर जो वनरेबिलिटी है जो कमी है हमारे सिस्टम के अंदर उसको क्लोज कर सकते हैं सेकेंड वे है डेटेट डेटेट में क्या होता है कहता है मेकिंग अटैक हार्डर बट नॉट इम्पॉसिबल मतलब जो हैकर uh, है उसके लिए अटैक करना मुश्किल बना दो ठीक है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं हो सकता ठीक है किसी के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता वो तो फिर कहता है डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग अनदर टारगेट मोर अट्रैक्टिव जो अटैकर है या जो क्रैकर है उसके लिए जो ओ टारगेट्स हैं मतलब उसका ध्यान बटाने के लिए जो अदर टारगेट्स हैं उनको ऐसा इतना एट्रेक्टिव बना दो कि जो उसके अंदर से हमारे सिस्टम के अंदर जो वर्नर एबिलिटी है जो कमी है उसकी तरफ उसका ध्यान ही ना जा पाए ठीक है नेक्स्ट है डेटरिट कहता है आइदर एज इट हैपन्स और टाइम्स आफ्टर फैक्ट ये डिटेक्शन जो होती है ये हमेशा किसके होती है करोने के बाद ठीक है और फिर कहता है रिकवर recover. रिकवरी इसके जो इफेक्ट्स हो सकते हैं उसकी हेल्प से हम इसको रिकवर कर सकते हैं फिर कहता है कि हैकिंग एज डिफेंस मैकेनिज्म देर आर टू पॉसिबल वेज ऑफ ए करैकर टू अटैक ए सिस्टम किसी भी अटैकर के लिए या क्रैकर के लिए सिस्टम पर अटैक करना जो होता है वो दो तरह से पॉसिबल होता है किस तरह से कहते हैं एंड इन साइड अटैक हुई इज़ ऑथराइज यूजर ऑफ़ द सिस्टम एंड आउटसाइड अटैक हुई इज नॉट ऑथोराइज यूजर ऑफ़ द सिस्टम भाई दो इंसान कर सकते हैं या तो जो इन साइड अटैक वो मतलब जिसके पास लीगल राइट्स होंगे उसको यूज़ करने के और सेकेंड वन कौन होगा जो ऑथराइज नहीं होगा इस सिस्टम को यूज़ करने के लिए हैकिंग कैन बी यूज एज ए मैथडोलॉजी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी सोल्यूशन टू कंप्यूटर सिस्टम्स इन ऑल पॉसिबल वेज एंड इज कोल्ड एथिकल हैकिंग एथिकल हैकर दस हैव टू हैव टू बी वन स्टेप हेड ऑफ क्रैकर्स ये कहते हैं कि जो इस हैकिंग को रोकने के लिए या जो सिक्योरिटी के जो सोल्यूशंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हैकर रोकते हैं उन्हें कहते हैं एथिकल हैकरस ठीक है और इस काम को जो परफॉर्म कराते हैं होते हैं एथिकल हैकिंग एथिकल हैकर को जो हैकर हैं उनके माइंड uh, से एक स्टेप आगे चलना पड़ता है उनकी सभी जो जहाँ तक वो सोच सकते हैं उसे एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है कि कोई भी जो क्रैकर है वो किस वेबिलिटी का मिसयूज कर सकता है नेक्स्ट होता है मैथ मैथडोलॉजी ऑफ हैकिंग देयर आर फाइव फेजेस ये फेजेस कौन कौन से हैं ये है, फेजेस हैं फुट प्रिंटिंग जिसको रिकनेसेंस भी बोलते हैं स्कैनिंग गेनिंग एक्सेस फोर्थ है मेनटेनिंग एक्सेस एंड फिफ्थ है कवरिंग ट्रैक्स फर्स्ट पढ़ते हैं फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंट Footprint में क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फो अबाउट द सिस्टम टू बी अटैक्ड। जिस सिस्टम पे अटैक करना है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना ठीक है सोशल इंजीनियरिंग इज अ टेक्निक इन विच हैकरूथ टॉक्स टू पीपल टू कलेक्ट सेंसिटिव इन्फो लाइक लॉग इन आई पासवर्ड आईपी एड्रेस एटसेट्रा इसमें क्या करते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग एक टेक्निक होती है उसकी हेल्प से आई पासवर्ड पूछ लेते हैं मतलब पता करवा लेते हैं मतलब कि क्या है फूड में क्या करते हैं पहले जिस सिस्टम पर अटैक करना उसके जो ऑथोराइज यूजर्स हैं उनको अपने विश्वास में लेके और उनसे उनकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड निकलवा लेते हैं ठीक है एक डम्पस्टर डाइविंग टेक्निक होती है इसमें क्या कहते हैं फ्रॉम ट्रैश या डिस्कार्डेड सेंसिटिव इन्फो मतलब जो इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे के लिए डंप बन चुकी है जो वेस्ट बन चुकी है उससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ये होती है डम्पस्टर डाइविंग टेक्निक सेकेंड कहता है स्कैनिंग स्कैनिंग में क्या है यूजिंग डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स वनर आर डिटेक्टेड अलग अलग टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जिसमें वर्नर वलर डिटेक्ट होती हैं इसको स्कैनिंग कहते हैं ये वलनर क्या हो सकती हैं कोई भी पोर्ट ओपन रह गया कोई भी एसेसिबल होस्ट है ठीक है राउटर की जो लोकेशनस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल्स हो सकती हैं या फिर किसी भी सिस्टम पे जो एप्लीकेशन्स रन हो रही हैं वो हो सकती हैं ठीक है थर्ड है गेनिंग गेनिंगसेस तो गेनिंग एक्सेस के लिए हर टाइम कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की नीड नहीं पड़ती क्योंकि जब गेनिंग एक्सेस टेक्निक को हम लगाते हैं तो उसमें स्पूफिंग कंसेप्ट यूज़ किया जाता है और स्पूफिंग एक्चुअली में होता क्या है किसी भी नेटवर्क की हेल्प से ऐसे पैकेट्स उस नेटवर्क पे सेंड कर दिए जाते हैं जिनके अंदर बग्स होते हैं वो बग्स ही अंदर कंप्यूटर सिस्टम में जाके डिस्ट्रक्शन करते हैं ठीक है फोर्थ है मेंटेनिंग एक्सेस इस काम इस मेंटेनिंग एक्सेस का जो वे होता है काम करने का वो कैसे होता है रूट किट कैन बी यूज टू बिकम सुपर यूजर ऑफ़ द सिस्टम रूट किट नाम से फोल्डर होता है जो नेटवर्किंग जिसने पढ़ी है वो बता सकता है आपको कि रूट किट में क्या कुछ टेक्निक होती है किस चीज़ का यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट आती है कवरिंग ट्रैक्स कवरिंग ट्रैक्स में क्या होता है कवरिंग ट्रैक्स में अटैकर क्या करता है अटैकर खुद को बचा के रखता है अनडिटेक्टेड मतलब खुद को छिपा के रखता है दूसरों से या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डिटेक्ट ना हो पाऊँ ठीक है मतलब उस जो अटैकर है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और तक ना पहुँच जाए इसके लिए वो क्या कर देता है जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी लॉग फाइल्स के कंटेंट्स को रिमूव कर देता है उस सिस्टम में से ठीक है मतलब लॉग फाइल्स वो होती हैं जिनके अंदर सारे इवेंट्स जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हो रहे हैं वो सारे उनकी मतलब जो लॉग फाइल होती है उस लॉग फाइल के कंटेंट्स को ही उड़ा देता है ताकि जो अटैकर है उसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी ना जाए और रूट की टैप्लीकेशन क्या करती है हेल्प करती है खुद को हाइड करने के फिर थर्ड वे कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ हैकर्स चार कैटेगरीज होती हैं हैंकरस की द ब्लैक हेड्स वाइट हैड्स ग्रे हेड्स और ब्लू हेड्स ब्लैक हेड कौन होते हैं जो अपने टैलेंट और कंप्यूटर स्किल्स का यूज़ करके किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में डिस्ट्रक्शन फैलाते हैं वाइट हेड कौन से होते हैं जो डिफेंस के लिए काम करते हैं आर्मी के लिए जो काम करते हैं ठीक है इनको सिक्योरिटी एनालिस्ट की तरह पे भी बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं ग्रे हेड्स कौन से होते हैं जो रिक्वायरमेंट बेस्ड काम करते हैं मतलब कभी ब्लैक हेड बन जाते हैं और कभी वाइट हेड बन जाते हैं ये इनके रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है जो ग्रे हेड्स होते हैं और ब्लू हेड्स कौन होते हैं ये काम करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसल्टिंग फर्म के साथ किस चीज़ के लिए टू बाई टेस्ट सिस्टम प्रायर टू तो इट्स लॉन्च किसी भी सिस्टम के लॉन्च होने से पहले उस के अंदर जो सिक्योरिटी का जो पूरा एनालिसिस होना होता है वो इनके द्वारा किया जाता है जिनको ब्लू हेड्स कहते हैं अब ये बताता है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर जो मेथड ऑफ डिफेंस है उसमें अगर हमें कंट्रोल करना है अपने सिस्टम पे तो वो किस तरह से कर सकते हैं कह रहे कि ये इंट्रूजन अटैम्प्ट होगा यहाँ से यह देखो यहाँ से इंट्रूजन अटैम्प्ट हो सकता है ये यह देखो यहाँ से इंट्रूजन आएगा इंट्रूजन आने के बाद ये एक्सटर्नली हम यहाँ पे एक प्रिवेंशन लगा देते हैं ये प्रिवेंशन है ठीक है प्रिवेंशन के बाद यहाँ पे एक्सटर्नल डिटेरेंस होती है ये डिटेरेंस होगी और उसके बाद ये हमारा सिस्टम का पैरीमीटर है ये वाला पूरा ये पूरा हमारा सिस्टम का पैरीमीटर है इसमें क्या आता है यहाँ इस लेवल पर इंटरनल प्रिवेंशन हो जाता है और आफ्टर दैट इंटरनल डिटेरेंस होती है यहाँ पर और ये डिटेक्ट करता है मेन जो डिफ्लेक्ट होने के बाद अगर कोई फोक्स एनवायरमेंट आता है तो उसकी डिटेल्स इसके पास चली जाती हैं और आफ्टर दैट अगर कोई इसको भी क्रॉस कर जाता है तो वो यहाँ से हमारे सिस्टम का जो रिसोर्स है उस तक अपनी पहुँच बना लेता है और उसका फिर मिसयूज़ करता है राइज आज का मेरा वीडियो इतना ही था अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें